तो हेलो भाई लोग, कैसे हो? मेरा नाम है अविनाश और मैं आप सबका वेलकम करता हूँ मेरे खुद के यूट्यूब चैनल पर धाकर रूपे। और आज मैं साउथ की मूवी लेके आऊँ जिस मूवी का नाम है सिटी मार। और इस मूवी को हमें देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए, और ये मूवी हमको ऐसा क्या नया दिखाती है, और मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा इस मूवी को देखते समय, इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए रिव्यू शुरू करते हैं। और ये मूवी रिलीज हुई थी 2021 में, और इस मूवी का जॉनर है ड्रामा एक्शन। और इस मूवी को IMDb पे 5.4 की रेटिंग मिली है आउट ऑफ 10 की, और गूगल यूजर ने इसे 86% के स्कोर दिए। और इस मूवी का डायरेक्शन किया है संपत आनंदी ने। और इस मूवी की कास्टिंग में आपको देखने को मिलेंगे गोपी चंद, तमन्ना भाटिया, तरुण रॉय, राव रमेश और डी गनगन सूर्यवंश। और ये मूवी भाई एक एवरेज मूवी होने वाली है, और मूवी में भाई आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी देखने को नहीं मिलेगा। और इस मूवी की स्टोरी ना भाई कुछ नया करने में ना नाकामयाब होती है। और ये मूवी भाई एक स्पोर्ट ड्रामा मूवी होने वाली है। और अगर कैरेक्टरों की परफॉर्मेंस की बात की जाए तो भाई कैरेक्टरों की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। और अगर इस मूवी के फाइटिंग सीक्वेंस की बात की जाए तो भाई मूवी के फाइटिंग सीक्वेंस बहुत बढ़िया है, और मूवी के एक्शन सीक्वेंस देख के आपको लगता है कि भाई कैमरा वर्क बहुत अच्छे तरीके से किया गया है। और अगर मूवी के प्लस पॉइंट की बात करें ना, जब मूवी स्टार्ट होती है ना तो कैसे भाई विलन की धमाकेदार एंट्री दिखा रखी है, और ये मूवी भाई अपने आप को एक्सप्लोर करती है। जो इस मूवी में विलन दिखाया गया ना, वो भाई कितना पावरफुल हो सकता है एक जेल में बैठे रहने के बावजूद, भाई वो इतनी सारी चीजें कर देता है, अगर वो जेल से बाहर आ जाएगा तो क्या क्या कर सकता है। और अगर इस मूवी के डायरेक्शन की बात की जाए तो भाई डायरेक्शन कुछ ज्यादा खास नहीं है, और ये पूरी मूवी ना भाई 2 घंटे की होने वाली है, और मूवी कहीं कहीं आपको थोड़ा बोर भी करती है। और इस मूवी से भाई मुझे कुछ ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं थी, और इस मूवी से कनेक्टर में भाई आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, और ये मूवी भाई आपको इम्प्रेस नहीं कर पाती। और मेरे एक्सपीरियंस की बात करें ना, जब मैं इस मूवी को देख रहा था ना तो मुझे भाई मूवी कुछ ज्यादा खास नहीं लग रही थी, लेकिन एक बार तो भाई इस मूवी को विजिट कर लेना। और अगर स्कूल के प्लॉट के बारे में बात करें ना, तो इस स्कूल में गोपी चंद का कैरेक्टर है जो एक स्कूल से पढ़ा हुआ है, और वो जो स्कूल है ना उसके फादर ने बनवाया था, लेकिन गवर्नमेंट का नोटिस आ जाता है कि ये स्कूल ना अब बंद हो रहा है। और गोपी चंद का कैरेक्टर ना एक कोच के तौर पे देखने को मिलेगा, एक कबड्डी का कोच जो अपनी टीम को ना नेशनल लेवल पे लेके जाता है, और अगर उसकी वो टीम जीत जाती है ना तो वो कहीं ना कहीं उस स्कूल को बचा सकते हैं, और वो कितना एफर्ट करता है उस टीम को जिताने के लिए, सारी चीजें आपको उस मूवी में देखने को मिलेगी। और इस मूवी जो सूर्यवंशी का कैरेक्टर है वो एक जर्नलिस्ट के तौर पे दिखाई देगा, जिसके फादर ना एक मिल चलाते हैं, और वो एक जमींदार भी है, और उनका ना गांव में बहुत रुतबा भी है। और अगर गोपी चंद के कैरेक्टर की बात करें तो इस मूवी में वो एक कोच के तौर पे दिखाई देगा। गोपी चंद का जो कैरेक्टर ना कहीं बैंक से भी कनेक्ट होता है, जिसकी वजह से ना उसको थोड़ी प्रॉब्लम आती है। और उसके जो जीजा जी होते ना वो पुलिस में IPS होते हैं, जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए होते हैं, लेकिन किसी पर्सन को वो काम अच्छे लगे नहीं होते, तो वो भाई कैसे उनको मारने की सोचता है, और इसी चक्कर में गोपी चंद कैसे फंस जाता है। अगर तमन्ना भाटे के कैरेक्टर की बात करें ना, तो वो तेलंगाना स्टेट की कोच है जो गोपी चंद से ना बहुत पहले बहुत प्यार करती थी, लेकिन वो भाई किसी वजह से ना उनका रिलेशनशिप वर्क नहीं कर पाता, तो कैसे भाई एक दूसरे से वो लड़ाई करते रहते हैं। अगर इस मूवी की जान बोले ना, तो इस मूवी में आपको तरुण अरोरा का कैरेक्टर देखने को मिलेगा, जो एक पुलिस वाला गुंडा है, और वो ना भाई क्राइम को कैसे बढ़ावा देता है, और कितने सारे गुंडे पाल रखे होते हैं उसने, वो कैसे भाई गोपी चंद पे भारी पड़ता है, ये सारी चीजें आपको इस मूवी में देखने को मिलेगी। कि अगर बैकग्राउंड म्यूजिक की बात की जाए ना, तो भाई इस मूवी का बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत बढ़िया है। और अगर इस मूवी के बैसिंग की बात की जाए ना, तो इस मूवी में जो गोपी चंद का कैरेक्टर ना जब वो लास्ट में लड़ रहा होता है, तो कैसे भाई जमीन में से ना एक हथौड़ा निकालता है, और वो हथौड़ा जब भाई घुमा घुमा कर मारता, भाई वो वाला सीन मुझे इस मूवी का बेस्ट सीन लगा है। और इस मूवी के बारे में आपको ज्यादा बताऊंगा नहीं, वरना इस मूवी को देखने का ना आपका मजा खराब हो जाएगा। और अगर ये मूवी आपने देखी है तो आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, और इस मूवी का लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज भाई वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। मैं टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। ओके बाय, टेक केयर।